अलैकुम। तो मेरा नाम मुसा हाफिज़ है। तो इमाम अलाक की बात की जाए तो वो नैदरलैंड के खिलाफ फिर आउट हो गए। नो डाउट वो अच्छा खेल रहे हैं कुछ अर्सा से, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ जब मैच आता है तो रन बनाने पड़ेंगे। ये तो नहीं कि छोटी टीम को रन बनाते रहे, अभी तो उन्होंने छोटी टीम के खिलाफ भी आउट हो गए। अब पता तब चलेगा इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर इमाम अलाक बनाएंगे तो रन बनाएंगे, फिर बात बनेगी। इनके भी टेक्निक के कुछ इश्यूज़ हैं। ये पहले जो अगर कोई अच्छा थोड़ा सा बॉलर अगर अटैक करे इनके बाउंस बॉल से और इन पर थोड़ी सी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे बॉल करे तो आउट हो जाते हैं। इनके साथ थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ हैं। अगर वो ये सेट कर लें, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बड़ा फ्लॉप लग रहा है। 38 पे 3 आउट हो गए। बाबर आजम भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप के स्टार्ट वार्म अप मैचेस में तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम रन होंगे, हम बाहर लगाएंगे, लेकिन वो भी आउट हो गए। फखर जमान की फॉर्म डामाडोल है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है तो बहुत ज़रूरी है उनकी परफॉर्मेंस। जैसे वो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी प्लेयर को इतने चांसेस मिले होंगे जितने उन्हें मिले हैं।